कोरोना के दौरान जिस सबसे ज़्यादा काम किया है वो है नर्सिंग स्टाफ, और आज वही नर्सिंग स्टाफ जो है वो अपने मांगों को लेकर आज सड़कों पर है, और नेशनल हेल्थ मिशन के तहत जितने भी लोगों को रोज़गार दिया गया था आज उनका रोज़गार जो है वो छीन लिया गया है, और आज वो अपने हक की लड़ाई के लिए सड़कों पर है। और ये प्रदर्शन आप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के बाहर आप साफ तौर से यहाँ पर देख सकते हैं। और सर ये देखो क्लास फोर्थ में बैठे हैं ना, सबका मसला है। इन्होंने क्या किया, कुछ बच्चों ने सिर्फ अपनी वन ईयर वाली बना ली, बाकी वाले कहाँ जाएंगे? सारे देखो जी गल ये है, मैं एक मिनट ठहरो ना, गल समझी ली। हाँ वो लड़के वो उसमें लगे हैं, ECRP में लगे हैं या दूसरे लगे हैं या क्लास फोर हैं या जो भी है, बात एक बड़ी देखिए, अगर तो आप जाएं कॉन्ट्रैक्ट पे, मैंने कल ये लड़के आए थे, मैंने पढ़ा कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक गवर्नमेंट की कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि लगाया जाए। सुनिए बात को, सुनिए तो भाई साइलेंट हो जाओ सब पे, पहले सुनिए, बैठो। देखिए जो मैंने कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा उसके मुताबिक सरकार की ऑब्लिगेशन नहीं है, लेकिन मैं ये समझता हूँ जिस वक्त यहाँ कोरोना की महामारी मची थी और लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे थे, उस वक्त आप बच्चे जो थे आपने आके कोरोना को संभाला, और आपने कोरोना वॉरियर्स बन के आपके फोटो लगे कि कोरोना वॉरियर्स हैं ये। मैं ये समझता हूँ कानूनी, मैं सिर्फ सरकार से यही कहने लगा हूँ कि कानूनी अब उस पर दाव पेज में जाओगे तो फिर केस नहीं बनता, लेकिन अगर इंसानी तौर पर देखा जाए आप लोगों ने कोरोना में एक योगदान दिया जिसकी वजह से आज लोग हमारे बचे हुए हैं, इसलिए आपको और हमें सबको मिलकर सरकार से ये विनती करनी चाहिए, सुनिए मेरी बात को बड़े ध्यान से, कि भाई जो हमें कोरोना में इस्तेमाल किया, आप इतने मेडिकल कॉलेज बना रहे हो, इतने कॉलेजेस बना रहे हो, इतने हॉस्पिटल बना रहे हो, इतने सब सेंटर बना रहे हो जिनमें डॉक्टरों की कमी है, जिनमें मेडिकल्स की कमी है, जिनमें नॉन मेडिकल्स की कमी है, जिनमें पैरामेडिक्स की कमी है, जिनमें क्लास फोर की कमी है, तो जो बच्चे जिन्होंने एक साल कोरोना में अपना योगदान दिया उनको उनके अगेंस्ट ऑब्जर्व कर लीजिए, क्योंकि आपने पोस्टें बनाई हैं, आपने लोग लेने हैं, आपको ज़रूरत है। तो हमारा देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि वो उधर से जवाब आ जाएगा कि कॉन्ट्रैक्ट था, कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया, वो कानूनी तौर पे वो बात ठीक है, लेकिन हमारा केस ये है, और ये मेरा ही नहीं होना चाहिए, सारी सिविल सोसाइटी का होना चाहिए, सारी की सारी जो सिविल सोसाइटी है, जो माशरा है, पहले तो इन्हीं पुल्स की लाही दी तो है, इन्हीं पुल्स की लाही दी, ठहरिए ना, डॉक्टर का काम होता तूंबे लाना, डॉक्टर का काम होता रौला पाना, चुप करिए बैठो वही गल कर, इन्नी पुलिस की लाई दी, कोई प्रिवेंटिव नहीं, जाओ भैनों कोई काम करो, इन कर कुड़िया अपनी खड़ो, जाओ जाओ कर बैठो, कोई नहीं कर दी,
ऐसे तो साहब ये बच्चे हैं, डॉक्टर हैं, इन्हें के इन्हीं पुलिस लानी नहीं लानी, इन्हें पुलिस मैं और ठहर जरा उन कसीटे छोड़ जरा कसीटे उन तो कसीटे रोका ये पुलिस कर लो ये देख नहीं है बंदा पता नहीं कोई चोर पकड़े थे डाकू पकड़े जाओ जाओ भैनो जाओ 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 एस एच ओ साहब जाओ जो मेरी मैं जिम्मेवारी लेना के कर लेने डॉक्टर है तो डॉक्टर नहीं है के कर लेना कख नहीं जाओ इन्हें कर लो एक गलत साइकोलॉजिकल होंगे बच्चे की एक परेशानी है। देखो गल ये है मैं तो समझा ना तुम अपना फर्ज नभा दे अगर तुम करना भी पुलिस उत्थे रखो इनके आले दुआले रखो इट डजंट गिव अ गुड फीलिंग दे आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सोसाइटी दे आर पैरामेडिक्स दे आर डॉक्टर्स दे शुड नॉट बी ट्रीटेड लाइक ऑर्डनरी पीपल दिस इज माई रिक्वेस्ट टू यू तुम अपना लॉ एंड ऑर्डर देखो तुम उधर रखी लो डिप्लॉयमेंट चारों तरफ इन्हें नहीं करो ये मेरी रिक्वेस्ट है बाकी थोड़ी मर्जी मालक दोस्तों लेकिन मेरी ये रिक्वेस्ट है कि नहीं ये घेरे नहीं पाओ बस सरदार बालक क्यों घेरा पा रहे बच्चों जा चलो भैन जी जाओ कोई गल नहीं भेजो ऐसे तुम इतने बिठाओ बिठाओ थोड़ी साइड कर ये बच्चे अपने बच्चे ये कुदे बच्चे ने अपने बच्चे ये कोई बगाने थोड़े इन्हें कुछ नहीं करना ये तूंबे लाने और कख नहीं इन्हें बस का अच्छा सुनो गल अब ये कानूनी तरीके से अगर इस पे बहस करोगे तो उस बहस में कोई फायदा नहीं है। देखिए आप पढ़े लिखे लोग हैं अगर कानूनी तौर पे आप कहेंगे नहीं जी इट्स नॉट अ मैटर ऑफ राइट क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि भाई कॉन्ट्रैक्चुअल है तो होगी बात तो सरकार के पास अगर आप जाएंगे कि नहीं हमारा हक है तो वो कहेंगे साहब आपका हक है तो आपको हमने कॉन्ट्रैक्ट में रखा तो हम मेरा ये मानना है कि ना केवल मैं यहाँ कोई सियासी बात करने नहीं आया हूँ ना कोई सियासत करने आया हूँ ना मुझे जरूरत है सियासत करने मैं आने मेरे बच्चे ये कल आए थे ये आए थे ये ना ही थोड़ा के ना तो इधर आओ ना तो पीछे की बैठे थे कल तो बड़े नचा थे आज पीछे पीछे भेजो 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 तो भेजो 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 सारे सारे भेजो आऊ भी भेजना चलो आटो चलो 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 जी बंद करो यार एक दिन तुसें बेड़ा गर्क करना मेरा बंद करो पांच मिनट मी गल कर दे बंद करो करना थोड़े कन्नै भी गल सरदार बस देओ रहमान करो इन्नी पुलिस जिसे देखते होने लोग कहते हैं डॉक्टर पता नहीं के मार रही है लोगों करो बंद जी। मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनिए हम सब लोग इकट्ठे होकर सिविल सोसाइटी इंटेलेक्चुअल्स पॉलिटिशियंस और आप लोग हमें गवर्नमेंट को ये अपील करनी चाहिए क्योंकि ये कानूनी बहस में तो देखो भाई जवाब बड़ा आसान होगा कि नहीं साहब कॉन्ट्रैक्टर से उसमें कोई नहीं है तो उसमें आप बहस नहीं बनती हमारी ये सिर्फ रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से मैं आज यहाँ से भी कर रहा हूँ मैं इस कंसर्न से बात भी करूंगा हमारी सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि भाई आपने ड्यूटी की इसमें कोई शक नहीं एक एक साल आपने कोरोना लड़ा अभी भी कोरोना है गवर्नमेंट को पैरामेडिक्स मेडिक्स और ये क्लास फोर की जरूरत है गलत है सही है तो हमारा केस ये बनाइए अपना भी और हम भी ये केस बनाए कि साहब जब आपने लोग लेने ही हैं तो वाई नॉट दीज पीपल हु हैव ऑलरेडी सर्व्ड फॉर वन ईयर इन द गवर्नमेंट दे शुड बी एब्जॉर्ब्ड तो ये केस बनाइए और इस पे हम काम कर रहे हैं पैरामेडिकल स्टाफ पूरे कोविड वॉरियर्स अब हम बार बार नहीं बोल सकते एनओ तिरंगा कोविड वॉरियर्स जितने भी हैं 2020 to 21 to 22 जिनको टर्मिनेट एट ए टाइम आधी रात को नोटिस पे किया गया है उन सब के लिए हम तो अपील ही कर रहे हैं मैं अपील ये कर रहा हूँ सुनिए मैं थोड़ी सी अपील मैं ये अपील कर रहा हूँ आप अपील कर रहे हैं एग्रीव्ड पार्टी मैं शहर की तरफ से अपील कर रहा हूँ मैं सोसाइटी की तरफ से अपील कर रहा हूँ कि जिन लोगों ने कोविड में काम किया वो सड़क पे नहीं होने चाहिए बस मेरी बात इतनी है जो लोग कोविड के लिए काम कर रहे हैं वो सड़क पे नहीं होने चाहिए दे शुड नॉट बी ऑन द स्ट्रीट और इसमें सुनिए मेरी सुन लीजिए मेरा ये है कि एक एक साल आप लोगों ने काम किया
चलो भाई, जिसने वन मंथ भी किया ना, काम किया ना, मेरा पॉइंट ये है कि जिन्होंने काम किया है, मेरी सिर्फ ये है कि एक ये मॉरल रिस्पांसिबिलिटी बनती है समाज की, बात को समझो, ये समाज की मॉरल रिस्पांसिबिलिटी बनती है। आप इसको ये अपना मुद्दा मत समझिए, आप सिर्फ अपना मुद्दा मत समझिए, क्योंकि आपका मुद्दा ये है कि आपका मुद्दा इसलिए कि आप एग्रीव्ड पार्टी हैं, लेकिन ये समाज की भी जिम्मेदारी है कि सिर्फ फोटो खींच के आपको कोविड वॉरियर ना बने। भाई सुन लो मेरी बात, बन और भाई नॉट वन ईयर एनी बडी हुआ सर्व यार, आई एम नॉट द गवर्नमेंट दैट आई विल इशू द ऑर्डर, लेकिन मेरा ये पॉइंट है जितने भी कोविड वॉरियर्स हैं, पहली बात ये है कि कोविड वॉरियर जो है उनका सड़क पे बैठना ये समाज पे रिफ्लेक्शन है। सबसे बड़ी बात मैं ये समझता हूँ, जिन लोगों ने हमारी जान को बचाया, माशरे की जान को बचाया, चाहे एक महीने बचाया, चाहे 15 दिन बचाया, चाहे 6 महीने बचाया, चाहे 1 साल बचाया, जो भी किया, कोविड में कोई घर से बाहर नहीं निकल रहा था उस वक्त, आप लोग निकले, आप आफरीन हैं। समाज की जिम्मेवारी बनती है कि आपके साथ खड़े होकर आपके लिए अपील करें, और मैं आपकी तरफ से और समाज को भी मैं अपील करूंगा कि वो भी इस बात को उठाएं, क्योंकि ये अच्छी बात नहीं है कि जब कोविड वॉरियर हुआ उसका फोटो खींचा तो फोटो खिंचा लिया, सेल्फी खिंचा ली, वो नहीं है। आज कोविड वॉरियर अगर सड़क पे बैठा है, ये पूरे के पूरे समाज पे रिफ्लेक्शन है, ये रिफ्लेक्शन कोई सियासत नहीं है इसमें, ये रिफ्लेक्शन आप पे नहीं है, ये हम पे है कि हमारी गैर जिम्मेदाराना पन देखिए कि हमारे बच्चे जो कि जिन्होंने कोविड में अपनी जान पे खेल के काम किया, वो आज सड़क पे बैठे, इसका एहसास है हमें, हम इसे अप्रोप्रिएट लेवल पे टेकअप करेंगे। आपसे और मैं सारे समाज से ये कहूंगा, इकट्ठे होकर एक अपील होनी चाहिए, नॉट ऑन ग्राउंड ऑफ मेरिट हो कि अगर हम कानूनी दाव पे में जाएंगे शायद बात नहीं बनती, ये एक इंसानी फर्ज है और ये सोसाइटल रिस्पांसिबिलिटी है आपके साथ खड़े होना। हम आपके साथ खड़े हैं और आपकी आवाज बनेंगे, और ये जिम्मेवारी कोई सियासी नहीं, ना ही ये कोई वो, ये सामाजिक जिम्मेवारी है कि जिन लोगों ने कोविड में लोगों का काम किया उनके साथ हम खड़े होंगे, ये मेरा आपको आश्वासन है और यकीन दिलाता हूँ हर लेवल पे टेकअप को। भाई मैं उस लीगैलिटी में जा ही नहीं रहा, मेरी बात सुन लीजिए बेटा, आप सुन, आप जो कह रहे हैं ना, आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ गवर्नर और एडवाइजर। सुनिए, मेरा मकसद ये है क्या टर्म्स थी आपकी इंगेजमेंट की, सुनिए मेरी बात सुनिए, मैं उन टर्म्स पे जा ही नहीं रहा। मैं कह रहा हूँ जिस आदमी ने भी कोविड के दौरान अपनी जान को जोखिम में डालकर कोविड के मरीजों का इलाज करने में मदद की, जिस अगर एक आपातकालीन सिचुएशन थी और एक आपदा थी, तो उसमें जिस आदमी ने भी मदद की, अगर वो आज सड़क पे बैठा है, तो ये समाज पे जिम्मेवारी बनती है कि आपके साथ खड़े होकर आपका जो मसला उसको हल कराए। ये करो तो पुराने थानेदार करा लेंगे, तो कल्ला ही काफी है, सारी उम्र चलाया थाना अस्पताल, सारी उम्र इससे ने चलाया, इसी पूछो, इन्हें बड़े बड़े मसले हल किए, ये बच्चे हैं, अपने बच्चे हैं, कुछ नहीं करते, इन्हें क्या करना, इन्हें के मैं बाकी भी थोड़े हमले करने गल की थी कल ऊपर तक, इन्हें मत करो सर, आप बोल रहे हो ना कि कॉन्ट्रैक्ट, सर हमारा कॉन्ट्रैक्ट नहीं लिखा, जिस टाइम हमारी लिस्ट निकाली गई थी उस पे लिखा था 3 मंथ एंड एक्सटेंशन 6 महीने फर्दर कंटिन्यू एक्सटेंशन, उस पे ये नहीं लिखा था कि 3 मंथ के बाद आपको यूज करके हम बाहर फेंकेंगे। मैं आई एम नॉट गेटिंग इनटू द इंट्रिकेसीज ऑफ दिस, बिकॉज वंस यू गेट इनटू द इंट्रिकेसीज योर केस मे नॉट बी द राइट केस टू बी टेकन अप। वेट अ मिनट, इट्स अ सोसाइटल रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई पर्सनली फील इट्स अ सोसाइटल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये हमारी जिम्मेवारी है, सामाजिक जिम्मेवारी, इसमें ना कोई सियासत ना कोई, ये सामाजिक जिम्मेवारी है कि जिन लोगों ने कोविड में किया वो सड़क पे ना बैठे। ये मेरा आश्वासन ये, मैडम मैं यही आश्वासन दे सकता हूँ कि आई टेकअप विद एवरीबडी, मैंने कल रात से ही सबके साथ टेकअप किया हुआ है और हर लेवल पे मैं टेकअप करूंगा, और एज अ सोसाइटल रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं समझता हूँ आप बच्चे सड़क पे नहीं होंगे। बट सर और एक क्वेश्चन कि ये बोल रहे हैं कि 3 मंथ के बाद 5 महीने 1 साल के बाद बच्चों को निकाला दिया जा रहा है, बट सर हमारे अगर कॉन्ट्रैक्ट पे ये चीज लिखी होती कि 3 मंथ के बाद हम आप लोगों को बाहर, हम ये रिस्क नहीं लेते सर, हम आते ही नहीं। क्या नाम जी सर? महवेश मैरूज, मेरे बात जी सर, हम इस इशू पे ही नहीं है,
मैं इस इशू पे ही नहीं हूँ कि क्या टर्म थी क्या टर्म, मैं इस इशू पे हूँ, बड़े सिंपल इशू पे हूँ कि सोसाइटल रिस्पांसिबिलिटी बनती है ये बच्चे यहाँ नहीं होने चाहिए, चाहे वो 8 महीने के लिए थे, 15 दिन के लिए थे, क्या टर्म थे, वो ये अच्छी बात नहीं है, ये जो समाज के लिए अच्छी बात नहीं है कि जो कोरोना के वॉरियर है वो सड़क पे बस उसी पे। जीएमसी में आधे से ज्यादा वार्ड पे ताले लगे, ताले लग रहे हैं, क्लिक करके ला सकते हैं, वो स्टाफ की रिक्वायरमेंट है लेकिन इनके पास स्टाफ ही नहीं। वही मैं कह रहा हूँ कि भाई जब स्टाफ की यही नहीं रिक्वायरमेंट है, आप विलेजेस में चले जाइए वहाँ पे भी अनु बेटा, मैं अगर सरकार में होता नहीं है इसे लिखिए जिंदा, मेरे को ना कलम है ना दुआत है ना स्याही है ना मेरे पुत्र की है, लेकिन हूँ आप इतनी बड़ी लाश है काफी है दौड़ ले। सर जगह जगह प्रदर्शन हुआ है जम्मू के, जम्मू लगातार देखिए, जहां तक ये बच्चों का सवाल है, कोरोना की महामारी में जब सब लोग घर में बैठे थे और डरे हुए और सहमे हुए थे, उस वक़्त ये बच्चे अपने वालदेन से निकल के बाहर, घर से बाहर निकल के यहाँ आए और इन्होंने लोगों की सेवा की। मैं ये समझता हूँ कि अगर मैं सरकारी दाव पेज पे जाऊँ तो शायद उसमें बात नहीं बने, क्योंकि सरकार के अपने टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट होंगे, लेकिन मैं समाज की तरफ से सरकार से ये विनम्र आग्रह करता हूँ कि ये सोसाइटल रिस्पांसिबिलिटी है, ये सारे सामाजिक जिम्मेवारी है कि जिन लोगों ने कोरोना में अपनी जान पे खेल कर लोगों की जान को बचाया, वो अगर सड़क पे बैठे हों तो ये समाज के लिए अच्छी बात नहीं है, ये समाज के लिए कोई अच्छी रिफ्लेक्शन नहीं है। सरकार को चाहिए, आज इतने मेडिकल कॉलेजेस खुल रहे हैं, इतने PHC खुल रहे हैं, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है जिसमें कि मैन पावर की कमी है। मैं सरकार से विनम्र निवेदन करता हूं कि सरकारी दायरे से बाहर निकल के इंसानियत के दायरे में और सामाजिक जिम्मेवारी के तहत जो लोग ये सोसाइटल रिस्पांसिबिलिटी है, मैं ये सियासत नहीं करना चाहता यहाँ पे, ये मेरी जिम्मेवारी नहीं, हर आदमी की जिम्मेवारी, आपकी जिम्मेवारी है, समाज की जिम्मेवारी है कि जिन लोगों ने कोरोना में अपनी जान से खेल के किया वो सड़क पे नहीं बैठने चाहिए। ये उन लोगों की आप बेइज्जती कर रहे हैं जो वो है, मेरी सरकार से विनम्र निवेदन है, मेरा माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से विनम्र निवेदन है, मेरे सरकार के एहलकारों से विनम्र निवेदन है कि वो बराए मेहरबानी इनकी बात को कानूनी दायरे से बाहर सोच के ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे और इनकी कुर्बानी के लिए यहाँ पर नहीं पहुँचा है, और भी एज अ फ्रंट लाइन कोरोना वॉरियर इन्होंने जितना अपना सहयोग दिया है कोई भी इतना सहयोग जो है वो नहीं दे सका, और आज वही लोग आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन आज इनसे मुलाकात करने के लिए भी कोई भी प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पर नहीं पहुँचा। सबसे पहले मैम आप ये बताएं आपके साथ हो क्या रहा है, आपको आज बेरोजगार कर दिया गया यहाँ पर, क्या कारण है, क्या पूरा मामला है वो बताएं। सर हमें आपने सुना ही होगा कि हमारा मैटर क्या है, सब पब्लिक को पता ही होगा कि हमारा मैटर क्या चल रहा है। 2020 में हम लोग अपॉइंट किए गए थे यहाँ सितंबर में, तो उसमें ये था कि हमारा 3 मंथ्स के लिए इन्होंने बोला था, उसके बाद मतलब बोला था कि टिल कोविड या मतलब एक्सटेंशन दी जाएगी, और वो वैसा ही हुआ कि हमें एक्सटेंशन मिली, बट एक्सटेंशन ऐसी मिली कि उसमें कोई नोटिस नहीं था हमारे लिए, हम कंटिन्यू काम करते गए क्योंकि इन लोगों को तब हमारी ज़रूरत थी, जब कोविड की सख्त मारामारी चल रही थी तब इन्होंने हमें यूज़ किया और हमें कोई नोटिस नहीं दिया। जो नोटिस आज हमें मिला है टर्मिनेट होने का, ये नोटिस हमें तब मिल जाना चाहिए था जब हमारा टाइम पीरियड खत्म हो रहा था, 3 मंथ्स का टाइम पीरियड जब खत्म हो रहा था, तब कहा कि हमें एक्सटेंशन दी गई थी, एक्सटेंशन दी हुई थी, वो एक्सटेंशन मिली लेकिन हमें कोई नोटिस नहीं मिला कि कब तक, क्योंकि इनको ज़रूरत थी और हम भी इस होप पे काम करते रहे कि हमारा फ्यूचर सिक्योर हो रहा है, हमारे लिए मतलब अच्छा होगा कल आने वाले टाइम में, हमने कोविड वॉरियर्स रह चुके हैं हम लोग तो हमारे साथ इंसाफ होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ हमारे साथ। हमने जब इवन के हमारी फैमिलीज हमारे अगेंस्ट थी, हमें इस
इस फील्ड में काम करने की फैमिली वाले इजाज़त नहीं दे रहे थे, क्योंकि आपको पता होगा कि सबको अपनी अपनी जानों की पड़ी हुई थी, कोई किसी को ये नहीं पड़ी थी कि जॉब मिलेगी। लेकिन हमें, हम पढ़े लिखे एजुकेटेड वेल एजुकेटेड हैं हम लोग, तो मतलब हमारा एक, हमें, हमने ये अपनी जान जोखिम में डाल के अपना फ्यूचर सिक्योर करने की कोशिश की, इस उम्मीद के साथ कि हम कोरोना वॉरियर्स हैं तो हमारे साथ इंसाफ होगा। लेकिन आज देखो हमारे साथ क्या इंसाफ हुआ है, आप सब देख रहे हैं कि हमारे साथ क्या हो रहा है। मोदी जी ने बहुत पहले नारा लगाया था कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन ये नारा सुनने में मुझे भी बहुत अच्छा लगा था कि शायद कोई बेटियों के लिए सोचने वाला आया है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ हमारे साथ। अगर मोदी जी ने इस नारे पे अमल किया होता तो ये इतनी सारी जो बेटियां हैं रोड में इस तरह से खज्जल और दर्द। राजनीतिक दल के नेता आपसे मुलाकात करने के लिए यहाँ पर पहुंचे, क्या लगता है कोई गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का कोई प्रशासनिक अधिकारी आपसे मुलाकात? हमारे पास नेता जितने भी आ जाए उससे हमारा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि हमारे पास मेन पॉइंट जो है जेके एडमिनिस्ट्रेशन हमारे पास नहीं आई है। और इवन कि हमने मेडिकल कॉलेज में काम किया है, हमारे साथ जो जीएमसी एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी नहीं आई। लेकिन हमारा जो कल की बात, दूसरी बात मैं करना चाहूँगी, पुलिस ने कल हमारे साथ नाइंसाफी की है। 3 मंथ्स प्रेग्नेंट लेडी को इन्होंने हरासमेंट किया और गाड़ी में डाला, और मीडिया के जरिए आपने कवरेज देखी होगी कि इन्होंने किस तरह से मेल पुलिस वालों ने हमारी फीमेल्स को धक्के मारते हुए मतलब गाड़ियों में बिठाया। पुलिस को किसने राइट दिया, मेल पुलिस को किसने राइट दिया है कि फीमेल के साथ टच भी किया जाए? क्या ये कानून कहता है हमारा? हम आज़ाद मुल्क है, हिंदुस्तान एक आज़ाद मुल्क है, अगर हम गवर्नमेंट बना सकते हैं तो हम हटा भी सकते हैं। ये मेरा आखिरी में आपकी डिमांड्स क्या हैं कि क्या होना चाहिए? हमारी डिमांड यही है कि हमें कंटिन्यूशन मिलनी चाहिए, और वो कंटिन्यूशन हम लेकर रहेंगे तब तक हमारा जोश दिन ब दिन इसी तरह बढ़ता रहेगा, और हमारा जो ये जोश है बहुत जल्द हमारा खतरनाक रूप लेगा। मैं ये चैलेंज करना चाहती हूँ जेके एडमिनिस्ट्रेशन को। लोगों से तो साफ तौर से मांगे इनके साफ है कि इन एक्सेशन जो है वो मिलनी चाहिए, क्योंकि कोविड के दौरान इन सभी ने जो है वो अपना सहयोग दिया था, अपना योगदान दिया था, तब ये गवर्नमेंट के बड़े अच्छे लोग थे, क्योंकि ये कोरोना के टाइम पर इन्होंने बहुत ही बेहतरीन काम किया। लेकिन आज इन्हें टर्मिनेट कर दिया गया है। साफ तौर से इनकी मांग यही है कि कोई जम्मू कश्मीर का प्रशासनिक अधिकारी इनसे मुलाकात करने के लिए पहुंचे, और दूसरी बड़ी इनकी मांग ये है कि इन्हें एक्सटेंशन जो है वो मिलनी चाहिए। बने रहें द पब्लिश के साथ, धन्यवाद।